अफशा खान, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़। आइए रुख करते हैं यूपी की इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जनपद अमरोहा में दिल्ली क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस ने रविवार की रात 50 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद की। कोतवाली क्षेत्र अमरोहा बिजनौर मार्ग पर स्थित हाशमी नगर में एक जगह पर पुलिस को सूचना मिली कि चंदन की लकड़ी की तस्करी की जाती है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और पुलिस अमरोहा पहुंची और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर लकड़ी के गोदाम पर छापा मारा, जहां से गोदाम में पुलिस को चंदन की लकड़ी और अन्य लकड़ी बरामद की गई। थर्माकोल में छिपाकर की जाती थी तस्करी। जानकारी मिलते ही एसपी विपिन ताड़ा भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मौके से करीब 50 करोड़ की चंदन की लकड़ी समेत दूसरी कीमती लकड़ी बरामद की है। मामले की जांच की जा रही है। लकड़ी की आपूर्ति चीन, जापान समेत कई देशों से होती थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। मुरादाबाद से लोकेश सिंह की रिपोर्ट।